छत ढलाई के समय ये गलतियां मैक्सिमम से मैक्सिमम ठेकेदार लोग करते हैं, क्योंकि मैं कुछ वीडियो में जो बताया हूं कि जब छत ढलाई कर रहे हो तो कंक्रीट बनाने के लिए क्या रेशियो होना चाहिए, कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना गिट्टी और कितना पानी मिलाना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमें कॉल करके पूछे हैं, सर हमारा ठेकेदार जो है एक बोरा सीमेंट में 8 गमला 8 तगारी जो होता है 8 तगारी बालू डाल रहा है और 8 तगारी ही गिट्टी डाल रहा है, क्या सही है क्या सर? कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हमारा ठेकेदार जब छत ढलाई कंक्रीट तैयार कर रहा है तो एक बोरा सीमेंट में 6 तगारी बालू और 6 तगारी 8 तगारी गिट्टी दे रहा, क्या सही है सर? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी अपना घर का छत ढलाई का विचार कर रहे हैं तो कंक्रीट कैसे तैयार करना, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये हम छत, जिसमें कि छत के लिए सिर्फ नहीं, यहाँ पे हम आपको जो बताएंगे ये कंक्रीट जो तैयार हो रहा है जो करेंगे, ये होगा आपका फाउंडेशन के लिए भी, प्लिंथ बीम के लिए भी, कॉलम के लिए भी, और यहाँ तक कि सीढ़ी के लिए भी जो रेशियो रहेगा। तो आप लोग को पता है कि छत ढलाई के लिए हम लोग जो कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं वो M20 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, M20 ग्रेड मिक्स्ड M20। अब M20 ग्रेड है क्या, जरा इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर जैसे कि देख रहे हैं कि तगारी जो आपको दिख रहा है, जिसको ढो करके लोग लेके जा रहा है, उसी तगारी से मेजरमेंट होता है। अब कितना तगारी क्या देना है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। पहले हम जान लेते हैं M20 को लेकर के, M20 क्या है। M20 मिक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये आपका हो गया, जिसका रेशियो जो रहता है 1:1.5:3, शायद येलो अच्छा दिखेगा। अब 1:1.5:3 हो गया, ये हो गया आपका सीमेंट, एक पार्ट अगर आपका सीमेंट है, सीमेंट, ये आपका हो गया सैंड, ये हो गया आपका एग्रीगेट, ठीक है। अब सीमेंट जो यहां पर आप देख रहे हैं, सीमेंट कितना मिलाएंगे, सैंड मतलब बालू कितना देंगे, और गिट्टी जो है ये कितना, गिट्टी कितना मिलाएंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये रेशियो समझ गए, मतलब एक पार्ट अगर आप जब भी कभी आप कंक्रीट तैयार करते हैं उसमें एक पार्ट, जैसे कि यहाँ पे जो है एक पार्ट को आप जो एक बोरा लेके चलिए आप, ठीक है, एक बोरा अगर आप सीमेंट मिलाते हैं तो 1.5 लिखा हुआ है सेंड के जगह रेशियो में, तो मतलब क्या कि 1.5 आपको बालू देना पड़ेगा एक बोरा सीमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उसी हिसाब से जितना बालू दिए हैं उससे दुगुना आपको जो है, जैसे 1.5 हो गया आपका बालू और 3 जो है आप देंगे क्या, गिट्टी देंगे, जिसका डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से जो है इसका वेट आपका अलग रहेगा। चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या हमें मिलता है यहाँ पे, क्योंकि आपका मेटल का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा और मेटल में भी जो गिट्टी है 20 mm और 10 mm दोनों मिलाना है, और बालू का डेंसिटी जो है थोड़ा सा जो है कम रहेगा। तो उसी हिसाब से एज पर साइट पे हम लोग जो मेजरमेंट लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। अब क्या है, जो हम लोग के पास तगारी है, हम इसी तगारी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो तगारी है, ये जो आप देख रहे हैं मेन पावर लोग यूज कर रहा है, तो इस तगारी से अगर आप सीमेंट का नापेंगे तो सीमेंट कितना आएगा, यहां पे तगारी में कन्वर्ट कर देते हैं, तगारी TAGARI तगारी, अगर तगारी लेके चलते हैं तो
ठीक है, उसके हिसाब से आपका एक तगारी लिए, तगारी सीमेंट कितना, सीमेंट जो कल आएगा 2.25, कितना तगारी आएगा 2.25, तो यहां पे 1 बैग आपका सीमेंट हो गया। ठीक, एक बोरा सीमेंट, यहां नापते नहीं इसको, इसको डायरेक्ट इसमें दे देते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो बालू उसके हिसाब से 4.4 तगारी आएगा। बालू जब आप देखेंगे यहां पे 4 तगारी ये लोग रेडी करके रखेगा, 4 तगारी जो है इसमें डाल देगा। ठीक है, अब ये देखिए ये सही तरीका है। हाँ, अगर हाँ, अब आप बात करते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट जो है 6 तगारी डालना है। ये जो एग्रीगेट है ये आपका 6 तगारी इसमें डालना है। और वाटर, पानी जो है आपको ये पानी आपका 20 से 25 लीटर देना है। ये डिपेंड करता है, अगर मान लें कि मॉइस्चर कंटेंट अगर बालू में है, मॉइस्चर कंटेंट में कुछ पानी मिक्स है गिट्टी में, तब आप जो 20 लीटर देंगे, अगर पूरा ड्राई है सूखा हुआ तो 25 लीटर देंगे एक बोरा सीमेंट में। तो यहां तक क्लियर हो कि नहीं हुआ। अब 6 तगारी में भी जो है जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 तरह गिट्टी देते हैं, 4 और 6 इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 और 2। अब ये 4 और 2 सर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 4 हो गया 20 mm का मेटल और 2 हो गया आपका 10 mm का। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, फिर से बताएं। तो हाँ, अगर जब भी कभी 4 तगारी देने के बाद जब पूरा गिट्टी गिट्टी देखें तो 4.5 भी आप 4.5 तगारी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल मत दीजिए। ऐसा ना कि 6 तगारी भी बालू दे दे, 6 तगारी गिट्टी दे दी। अगर आपका जो तगारी मेजरमेंट में सीमेंट 2 तगारी ज्यादा आ रहा तब ये चीज फॉलो करना। अब आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब आप तगारी से नापते हैं, गमला से नापते हैं, तो कितना मेजरमेंट आता है। ठीक है, ये जो हमें कमेंट करके बताइएगा तो उसके हिसाब से हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि भाई आपको किस हिसाब से चलना है। तो मतलब यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा और डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो बस एक बोरा सीमेंट में जो है 4 तगारी बालू, ठीक है, बालू दे दिए, उसके बाद 6 तगारी गिट्टी, 6 तगारी गिट्टी में से 4 तगारी 20 mm का देना है और 2 तगारी 10 mm का देना है और 25 लीटर पानी जो गैलन से मेजरमेंट करके, गैलन जो 5-5 लीटर का रहेगा, 5 बार उसमें डाल दीजिए, 25 लीटर पानी मिला करके एक मिक्सर मशीन में जो बकेट होता है उसमें एक बोरा सीमेंट का कंक्रीट तैयार होता है। फिर इसको आप साइट में लाइए और जो है ढलाई कीजिए, और सारा सुविधा को देखते हुए कहीं भी कोई भी चीज जो है मिसिंग ना हो, और जितना एरिया उसके हिसाब से आपको सीमेंट, बालू, गिट्टी सब कुछ मंगाना है, जिससे क्या कि ढलाई में कभी भी रुकावट ना हो। तो दोस्तों बस इतना ही था, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया ना तो जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ही होता है। जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।